हाउ टू विन द 498A केस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो पहली बार 498A का केस आप फर्स्ट स्टेज में अगर आप जीत जाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो जैसे ही 490 केस का केस रजिस्टर्ड होता है, आप FIR रजिस्टर्ड करवाते हो, अगर सीरियस एलिगेशंस नहीं होते हैं तो ये एक वुमेन सेल के पास जाते हैं, महिला सेल के पास, और वो आपकी जो है दोनों हस्बैंड की जो फैमिलीज है उसको बुलाते हैं, वाइफ की फैमिली को, और सेटलमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पे भी सेटलमेंट नहीं होता तो जो केस है वो दोबारा पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वहाँ पे इसके फर्दर प्रोसीडिंग्स को। इसमें जो हस्बैंड की फैमिली है वो कैसे विन कर सकती है, बाय पुटिंग अ प्रेशर टू द वाइफ। तो बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो दोबारा से कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाते हैं हस्बैंड, बहुत ज़्यादा वाइफ पे प्रेशर डाल के, और उसमें जो रिलेटिव्स हैं हस्बैंड के, उनका जो नाम है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का नाम रजिस्टर्ड होता, और इसके थ्रू जो रिलेटिव्स होते हैं हस्बैंड का, उनका नाम जो है वो डिलीट करवाया जाता है। तो बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द वाइफ जो है, ये आप क्या कर सकते हो, अपनी जो दूसरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाते हो उसमें आप नेम चेंजेस करवा सकते हो। या तो फिर ये भी देखा जाता है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो इतना प्रेशर डालते हैं वुमेंस के ऊपर कि वो क्या कर सकती हैं, अपनी जो कंप्लेंट है वो बेसिकली चेंज करवा सकती हैं, और जो दूसरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है उसमें भी हस्बैंड और रिलेटिव्स का नाम जो है वो एड ऑन नहीं होता है, एंड हाउ दिस इज़ हाउ यू कैन डिलीट योर नेम फ्रॉम द FIR। अब क्या होता है कि बिफोर द FIR आप कुछ भी नहीं कर सकते, एंड वंस द FIR रजिस्टर्ड, अब ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये केस क्या होता है, चला जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बेसिकली विटनेस को एग्जामिन करता है, रिलेटिव्स को पूछता है कि क्या बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उनकी स्टेटमेंट्स लेता है, तो पूरी कॉल पूरी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड्स, वो अपना नाम कैसे रिमूव करा सकते हैं। तो अगर आप ये प्रूव देते हो कि बेसिकली जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो बेसिकली फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ से क्या कर रही थी, अलग रह रही थी, तो ये आप एक प्रूफ कर सकते हो कि दे वर नॉट लिविंग टुगेदर एज अ होल फैमिली, मतलब सन अलग और डॉटर इन लॉ अलग रह रहे थे और फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ अलग रह रहे थे, इसके बेसिस पे आप ये प्रूफ कर सकते हैं और अपना नाम हटवा सकते हैं अगर 398A का केस रजिस्टर्ड होता है आपके अगेंस्ट। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट अपार्टमेंट्स में रह रहे थे एक बिल्डिंग में, या तो आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पर रह रहे थे जिसमें आपकी किचन भी जो थी वो अलग थी, ये आप सेकेंडली प्रूव कर सकते हो। थर्डली अगर आपके कोई सिस्टर्स हैं या कोई ब्रदर है आपका कोई और, ये प्रूव कर सकते हो कि वो इस टाउन में नहीं रह रहे थे, वो फॉर एग्जाम्पल किसी और सिटी में रह रहे थे, उनका वहाँ पर आधार कार्ड जो उस रेंट पे वो रह रहे थे वो प्रूफ कर सकते हो। अगर आपकी जो सिस्टर है वो मैरिड है तो उसका प्रूफ लगा सकते हो। तो उनका नाम हटाने के लिए आप ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। आईओ नहीं सुनता है तो आप ACP या DCP की भी अप्रोच ले सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या आप स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो टू रिमूव द नेम फ्रॉम दिस 498। स्ट्रैटेजी जो यूज़ करी जाती है टू पुट अ प्रेशर ऑन IO इज बाय पुटिंग एन एप्लीकेशन इन कोर्ट अंडर सेक्शन 156(3) CRPC में, जिसमें जो कोर्ट होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाता है और पूछता है कि आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट करे हैं, कौन कौन सी आपने लोगों से स्टेटमेंट्स ली है और प्रूफ करने की कोशिश करी है कि 498A का केस बनता है। इसमें क्या होता है, कई बार जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उस पर इतना प्रेशर लगता है कि वो जो हस्बैंड के रिलेटिव्स का नाम है वो क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है, रिमूव कर देता है। तो दीज आर द स्ट्रैटेजी विच कैन यू कैन यूज टू रिमूव द नेम फ्रॉम द 498A केस में, और इसके वजह से आप क्या कर सकते हो, विन कर सकते हो। मेक श्योर आप जो अपनी जो रिलेटिव्स का नाम है 498 में वो आप इनिशियल प्रोसीडिंग्स में ही रिमूव करवा लीजिए, बिकॉज आगे फर्दर जो स्टेप्स हैं 498A के, अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से आगे प्रोसीडिंग्स में बढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक द नेम रिमूव। सिचुएशन अराइज कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस पर रिमूव नहीं कर पा रहे हैं नाम को, तो अब आप क्या करेंगे 498A से बचने के लिए, यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
आपने एप्लीकेशन लगा दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इफ़ दैट ऑल्सो डजेंट वर्क देन आप क्या कर सकते हो, आप क्वाशिंग ऑफ FIR की एप्लीकेशन भी लगवा सकते हो। अंडर सेक्शन 482 CRPC में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसमें आप ये बोल सकते हो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वॉज नॉट एबल टू प्रूव एनी थिंग कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या तो कोई डाउरी मांगी गई है, और ये सारे की सारी जो एलिगेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ के ने लगाई है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाया, तो आप इसके अंदर क्वाशिंग ऑफ FIR की एप्लीकेशन भी लगा सकते हो। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेज, यहां तक आपके चांसेस है। वंस द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द एप्लीकेशन और आप ट्रायल कोर्ट में जाते हो तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। तो ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, आपकी ऑटोमेटिकली डिसमिस कर देगी। तो मेक श्योर आप इनिशियल स्टेजेस में ही अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें जो रिमूव्स करवाने हैं आपको रिलेटेड, वो आप इनिशियल स्टेजेस में ही करवा लीजिए। बाद में ट्रायल कोर्ट विल नॉट लिसन टू इट, द पुलिस ऑफिसर विल नॉट लिसन टू इट, और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।